9 वर्ष से पूर्व तीर्थ नगरी पुष्कर में होने वाले आयोजकों के मद्देनजर पुलिस ने मंगलवार को नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को 120 ग्राम चरस के साथ दबोचा। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राजदीप के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सीओ ग्रामीण विनोद कुमार सीपा के निर्देशन और थाना अधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने स्थानीय बांगड़ त्यारे के पास से नशे के सौदागर नेपाल के जयराज को पकड़कर पूछताछ की। बाद में उसके कमरे की तलाशी के दौरान चरस बरामद की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह बाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 वर्ष से पूर्व काफी संख्या में पर्यटक यहां आए हुए हैं। ऐसे में नशे के सौदागरों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से अन्य सौदागरों तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। पर्यटन नगरी एवं धार्मिक नगरी पुष्कर में 9 वर्ष के आगमन को देख करके आज भारी संख्या के अंदर पर्यटक आए हुए हैं। इस व्यवस्था को देख करके लिए हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता पुलिस थाना पुष्कर में लगाया गया था। उसी दौरान एक युवक के कब्जे से अवैध 120 ग्राम चरस बरामद की गई है। वो नेपाल का मूल निवासी रहने वाला है, जयपाल उसका नाम है। उसे बरामदगी की गई है, मुकदमा एनडीपीएस में दर्ज किया गया है और उसके सोर्सेज के संबंध में तफ्तीश की जा रही है। इतना ही नहीं, अन्य भी होटलों में आसपास मंदिर के आसपास जितने भी और भी इस प्रकार के कोई ड्रग्स बेचने वाले जो लोग हैं उनकी बरामदगी गिरफ्तारी के संबंध में हमारे द्वारा और भी प्रयास किए जा रहे हैं और आज इस पर्यटकों की संख्या को देखते हुए इस संबंध में पर्याप्त पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और माकुल पुलिस पर बंद किया गया है।